डॉक्टर शशि दोहरा सिटर में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज अपने बनाएंगे सूरन की सब्जी और गेहूं की रोटी। सूरन की सब्जी बनाने के लिए अपने लेंगे सूरन और उसकी बनाएंगे सब्जी। सूरन की सब्जी कैसे बनाते हैं, उसके लिए अपने को क्या क्या चाहिए, आइए देखते हैं और अपने मिलकर बनाते हैं सूरन की सब्जी। फ्रेंड्स, आज अपने बनाएंगे गेहूं के आटे की रोटी, जिसको अपने फुलका भी कहते हैं और चपाती के नाम से भी जानते हैं। फ्रेंड्स, सूरन की सब्जी बनाने के लिए आपने लिया 250 ग्राम सूरन, 500 ml छाछ, एक हरी कटी मिर्च, मीठे नीम के 4-5 पत्ते, हरी कटी हुई धनिया, साबुत सौंफ, साबुत जीरा, साबुत धनिया, 15 नंग काली मिर्च के, हल्दी आधी टीस्पून, नमक स्वादानुसार, हींग और धनिया जीरा का पाउडर और तेल सब्जी को बघार लगाने के लिए, तड़का लगाने के लिए, सब्जी बघारने के लिए। सूरन की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले अपने सूरन को प्रेशर कुकर में बॉईल कर लेंगे। सूरन की सब्जी बनाने के लिए पहले अपने चलाएंगे गैस। कुकर में सूरन की सब्जी डाल करके उसको बॉईल करेंगे। अपने कुकर में सूरन की सब्जी डाली और उसमें पानी डाल के उसको बॉईल करेंगे, प्रेशर कुक करेंगे। फ्रेंड्स, पानी उतना डालना जितने में सब्जी पानी में समा जाए, ज्यादा पानी इसमें डालना नहीं है। अभी अपनी सब्जी बॉईल होगी, फिर आगे अपने सब्जी को बनाएंगे। फ्रेंड्स, अपना कुकर हो गया है, अपने इसको खोल लेते हैं। कुकर का ये एक्सेस का पानी है, इसको ड्रेन कर लेंगे। सब्जी बनाने के लिए अपने इसमें डालेंगे तेल, अपना 5 चम्मच तेल डाला, इसमें डालेंगे पहले जीरा, सौंफ, धनिया, हरी मिर्च, इसमें डालेंगे हल्दी, इसको बराबर अभी भूनेंगे। थोड़ा मसाला डालेंगे, धनिया जीरा पाउडर, थोड़ी हरी धनिया भी डालेंगे। अपनी सब्जी भून गई है, अब इसमें अपने डालेंगे
चार, ये पांच चम्मच छाप एक हाथ से हिलाते जाना है पेंट सब्जी और एक हाथ से छाप डालते जाना है। हिलाना बंद नहीं करना है, अपना गैस अपने ने फास्ट हाई फ्लेम पर रखा है, अगर हिलाना बंद कर दिया तो अपने इसमें छाप फट जाएगी और अपनी सब्जी फटी हुई बनेगी, इसलिए अपने हाथ हिलाना नहीं रोकना जब तक कि उसमें उबाल आना शुरू नहीं होता। फ्रेंड्स अपनी सब्जी सूरन बॉईल किया हुआ है, इसलिए अपना सूरन कच्चा नहीं है, बॉईल करके उसका पानी रिमूव कर देना, वो पानी इसमें यूज नहीं करना है। फ्रेंड्स देखिए अपने सब्जी में उबाल आने लगा है, अपनी सब्जी उबलने लगी है, 5 से 7 मिनट तक इस तरह से उबालेंगे। अब अपने इसमें डालेंगे स्वादानुसार नमक, फ्रेंड्स अपनी सूरन की सब्जी अपने छाछ बना रहे हैं, इसको अपने सूखी बना सकते हैं, पानी वाली बना सकते हैं, इसको अपने छाछ बना सकते हैं जो अपने ये बना रहे हैं, छाछ का यूज नहीं करना हो तो अपने इसको पानी में बना सकते हैं, पानी वाली सभी की इच्छा हो टेस्ट का, और इसको अपने दही में भी बना सकते हैं, इसमें भी इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अपने को छाछ दही या पानी की सब्जी नहीं चाहिए हो तो अपने इसको ड्राई सब्जी भी बना सकते हैं, एकदम ड्राई बना करके उसमें अपने स्पाइसी इसको बना सकते हैं, मसाला अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग अपने इसमें ऐड करके इसका फ्लेवर एनहेंस करके अपने इसको दे सकते हैं। यहाँ पे अपने ज्यादा मिर्च नहीं खाते हैं इसलिए सिर्फ एक हरी मिर्च का यूज किया है सब्जी बघार में, बाकी अपने अपनी इच्छा से इसमें मसाले जो चाहिए जो फ्लेवर चाहिए वो मसाले इसमें डाल सकते हैं, और तीखा ज्यादा पसंद हो तो इसमें हरी मिर्च और डाल सकते हैं, लाल मिर्च का तीखा पाउडर डाल सकते हैं, और इसका कलर चाहिए हो अट्रैक्टिव कलर तो फिर उसके लिए लाल कश्मीरी मिर्च का पाउडर इसमें डाल सकते हैं। फ्रेंड्स देखिए अपनी सब्जी हो गई है, अभी अपने इसको थोड़ी देर में उतार लेंगे, थोड़ी धनिया भी डाल दी है, थोड़ी उतारने के बाद डालेंगे। फ्रेंड्स इसकी सब्जी बहुत ही टेम्पटिंग और वेरी टेस्टी बनती, बहुत ही डिलीशियस बनती है, इसकी खुशबू दही के अंदर छाछ के बाद अंदर बहुत अच्छी आती है। फ्रेंड्स अपनी सब्जी तैयार होगी, आप अपने गैस फ्लेम बंद कर देते हैं, इसको बाउल में ट्रांसफर कर देते हैं। हरी धनिया से गार्निश कर देते हैं। फ्रेंड्स अपनी ये सूरन की सब्जी तैयार है, ये जल्दी बन जाती है, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता है। आप भी फ्रेंड्स सूरन की सब्जी को ट्राई करना और आपके कमेंट्स हमारे साथ शेयर करना कि आपको ये सब्जी कैसी लगी। फ्रेंड्स इसकी सब्जी अपने मन पसंद के टेस्ट फ्लेवर के हिसाब से बना सकते हैं, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें मसाले ऐड कर सकते हैं, अपने को इसमें और खट्टा चाहिए हो तो अपने इसमें चाट मसाला मिला सकते हैं, नहीं तो नींबू निचोड़ सकते हैं। फ्रेंड्स तो अपनी सब्जी बनकर तैयार है। फ्रेंड्स रोटी के लिए अपना आटा तैयार करके रखा है अपने ने, इसकी अपने आप रोटी बनाएंगे। अपना आटा का रेस्ट हो गया है, अपना तैयार करके रखा था 1 घंटा अपने आटा को हो गया है, अब अपने आटा को बराबर मसल लेंगे इस तरह से। और अपने को जरूरत लगे तो उस हिसाब से इस तरह से आटा लगा लेंगे। अपना आटा ना ज्यादा ढीला होना चाहिए ना ज्यादा टाइट, एकदम मीडियम होना चाहिए इस तरह से। अपना आटा मसल जाए उसके बाद उसको इस तरह से लंबा लंबा करके उसमें से लोई काट लेंगे। छोटी रोटी बनाना है तो
इस तरह से छोटी छोटी लोई काट लेंगे और बड़ी बनाना है तो बड़ी, यानी कि अपने को जिस साइज की रोटी करना हो उस हिसाब से उसकी लोई काट लेना है। फ्रेंड्स, हमने लोई काट ली है, अब इसको इस तरह से लोई बड़ी करने के लिए एक हाथ से इस तरह से पकड़ेंगे और दूसरे हाथ से ये दो उंगली ऐसे करके इधर पे रखेंगे इसके एज पे, किनारे पे, और इस तरह से इसको घुमाते जाएंगे और प्रेस करते जाएंगे। इस तरह से अपनी रोटी की लोई बढ़ती जाएगी। जितनी भी रोटी बनाना हो उसको इस तरह से कर लेंगे। फ्रेंड्स, अपन को रोटी छोटी बनाना हो, रोटी छोटी बनाना है बड़ी, सबकी लोई इसी तरह से बनेगी। अगर लोई नहीं बनाना हो तो अपने ये गोले को जो प्रेस किया, फ्लैट किया, उसको इस तरह से दबा करके बड़ा करके भी रोटी बेल सकते हैं। फ्रेंड्स, अब अपने रोटी बेलेंगे, रोटी इस तरह से बेलेंगे कि अपनी रोटी गोल घूमती जाए। हल्का हल्का प्रेस करेंगे और फिर अपना बिलना चलाते जाएंगे। जिस साइड को रोटी घुमाना हो फ्रेंड्स, उस साइड को बिलना को थोड़ा ज्यादा प्रेस करेंगे और जिस साइड को नहीं घुमाना उस साइड को कम प्रेस करेंगे। इस तरह से अपनी रोटी बिलती जाएगी और घूमती जाएगी, यानी कि जिस साइड को रोटी घूम रही है उस साइड को अपने अपना बिलना थोड़ा स्लाइटली ज्यादा प्रेस करेगा। बस सभी रोटियां इसी तरह से बेल लेनी है। देखो घूम रही है ना रोटी। छोटी हो या बड़ी हो, जैसी भी रोटी बेलनी हो बस उसको इसी तरह से बेलते कि जिस तरह को रोटी घुमाना हो उस साइड को अपना बिलना पे, बिलना को अपने बेलन को जोर से दबाते हुए, मतलब ज्यादा जोर से नहीं, हल्के हाथ से थोड़ा प्रेशर ज्यादा डाल के रोटी बेल देने को। ये अपने छोटी रोटी बेली, देखिए बड़ी रोटी भी इसी तरह से बेली जाती है। बस वही तरीका होता है, सेम ही होता है। देखो इस साइड को रोटी घूम रही है, अपने इस साइड को प्रेशर थोड़ा ज्यादा लगा रहे हैं इससे रोटी इस साइड को घूम रही है। उसमें क्या अपने को रोटी उठा उठा कर इस तरह से पलट पलट के नहीं बेलना पड़ता है। देखिए ये रखा, बीच में सेंटर में बेलना रखा और इस तरह से अपनी रोटी अपने ने बेलनी शुरू की। अपनी रोटी भी घूम रही है और बड़ी भी हो रही है। और घूमना बंद हो जाए तो थोड़ा आटा लगा लेना और इस तरह से हल्के हाथ से पलट करके रख करके और बेल लेना। अच्छा फ्रेंड्स, तो अपने रोटी बेलना देखा, अब अपने देखते हैं रोटी सेकना कि रोटी कैसे सेकते हैं। तो अपने पहले चलाएंगे गैस और उस पर अपने रखेंगे तवा। रोटी को अपने चपाती बोलते हैं, फुलका बोलते हैं, मतलब कि जो जिस भी नाम से अपने जानते हैं रोटी अपनी रोटी होती है। अभी अपना तवा गर्म हो रहा है फ्रेंड्स, अपना तवा गर्म हो गया, गैस को स्लो कर देंगे आज। अभी इस तरह से रोटी सेंटर पर रखेंगे, हल्की हल्की सिकेगी, फिर अपने उस रोटी को पलट देंगे। फ्रेंड्स देखिए, ये हल्की हल्की अपनी रोटी सिकी, अब इसको अपने ने पलट दिया और गैस को हाई कर दिया, फ्लेम बढ़ा दिया अपने ने, और इस तरह से रोटी सेकेंगे। जरूरत पड़े तो हल्का हल्का हाथ से दबा देंगे रोटी को, अगर हाथ से नहीं दबाना है, पैड यूज करते हैं रोटी सेकने का तो उसे दबा लेंगे, पैड यूज नहीं करते हैं, कपड़ा यूज करते हैं प्रेस करने के लिए तो फिर कपड़े से दबा लेंगे जिससे हाथ ना जले, पर उनकी जरूरत नहीं हो, हाथ से ही हो जाता तो हाथ से कर लेंगे।
आप ये रोटी एक साइड सिक गई, एक साइड बाकी है, उसको इस तरह से फ्लेम पे रख देंगे। ये अपनी रोटी फूल गई, देखिए देखिए सिक के तैयार हो गई। सब रोटी को इस तरह से सेकेंगे। अभी हमने फ्लेम बढ़ाई थी, अब फ्लेम को कम कर देंगे और फिर से अपनी रोटी डालेंगे इस तरह से। चाहे छोटी रोटी हो चाहे बड़ी, इसी तरह से सेकना है सब रोटियां, अपनी रोटी तैयार हो जाएगी। देखिए इस तरह से सिक गई रोटी, फिर से देखते हैं। अब इसको फिर आप फ्लेम फिर बढ़ा लेंगे। फ्रेंड्स मतलब कि जब अपने तवे पर रोटी डालेंगे सेकने के लिए, उस टाइम अपने फ्लेम लो कर देंगे और जब उस रोटी जिस साइड डाली है उसको जब पलटेंगे उसके बाद अपने गैस का फ्लेम हाई कर देंगे और दूसरी साइड जब रोटी अपनी सिक जाएगी उसके बाद तवा को हटा करके अपने डायरेक्ट बर्नर पे इस तरह से रोटी सेकेंगे। देखिए और इस तरह से अपनी रोटी फूल जाती है। देखिए सब रोटी को इसी तरह से सेका जाता है, इसी तरह से अपने सब रोटी सेकेंगे। देखिए अपनी रोटी फूली, बस इस तरह से अपने रोटी सेकेंगे तो अपनी रोटी फूलेगी। अपने खाने की डिश तैयार हो गई। सब्जी भी है, सलाद भी है, रोटी भी है और पानी भी है और चम्मच भी है यूज करने के लिए। फ्रेंड्स देखिए अपनी गर्मा गर्म रोटियां तैयार है जो बड़ी अच्छी बनी है। आपने देखा, आपने मिलकर बनाई है, ठीक उसी तरह से रोटी बनाएंगे तो सबकी रोटी बन जाएगी। फ्रेंड्स अपनी ये सूरन की सब्जी बनकर तैयार है। देखिए कितनी अच्छी दिखाई दे रही है, बहुत ही सुंदर है ये। खाने में भी बहुत डिलीशियस बनी है, बहुत टेस्टी बनी है। अभी गर्मा गर्म सब्जी है। ये सब्जी को अपने चावल के साथ, रोटी के साथ, पराठे के साथ, पूड़ी के साथ खा सकते हैं और इसको ब्रेड के साथ भी ले सकते हैं। मतलब ये अपने को इसको जिस तरह से खाना हो अपने इसे खा सकते हैं। ये अपनी छाछ वाली सब्जी है। अगर दही वाली हो तो वो भी बहुत अच्छी टेस्टी बनती है। सूखी बनाए तो वो भी बहुत ही अच्छी टेस्टी फ्लेवरफुल बनती है और पानी वाली बनाए तो वो भी बहुत ही अच्छी बनती है। जैसा अपने को टेस्ट चाहिए उस हिसाब से वैसे मसाले इसमें अपने डाल सकते हैं। अपनी ये सब्जी स्पाइसी नहीं है, अपने को इसे स्पाइसी करना हो तो इसमें अपने मिर्ची और मिला सकते हैं। हरी मिर्च, लाल पिसी हुई तीखी मिर्च और कलर के लिए अपने इसको लाल कश्मीरी मिर्च ऐड कर सकते हैं। फ्रेंड्स तो आज अपने ने मिलकर बनाई है ये सूरन की सब्जी, बहुत ही स्वादिष्ट बनी है। आप भी इसको जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको भी अच्छा लगेगा, इसे स्वाद का लाभ आप भी लीजिए। फ्रेंड्स यदि आपको आज की अपनी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज इस रेसिपी की वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हाँ और आपके कमेंट्स हमारे साथ शेयर कीजिए कि आपको ये सब्जी का टेस्ट कैसा लगा, ये वीडियो का कौन सा भाग आपको पसंद आया और अगली वीडियो आप किस रेसिपी की देखना चाहेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।